हेलो गाइस, सो एक दूसरे प्रॉब्लम के साथ अगेन मैं आया हूँ। दिस इज़ ऑल्सो अ चैलेंजिंग प्रॉब्लम और ये जे एडवांस 2024 को मद्देनज़र रखते हुए है गाइस। तो और जो लिंक्ड है ये फिजिक्स प्रॉब्लम जिस टॉपिक से, दैट इज़ बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैंने अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कोई भी प्रॉब्लम नहीं लिया था इस सीरीज़ में, तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम है बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है गाइस। और एक ही बहुत अच्छा ही प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से देखो, पहले खुद अटेम्प्ट करो जैसे कि आप करते आए हो आई सपोज, और उसके बाद मेरे सॉल्यूशंस देखना। तो चलो गाइस अभी स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली दैट प्रॉब्लम जो हमें कुछ इस प्रकार से बोल रहा है दैट टू कंसेंट्रिक रिंग्स प्लेस्ड इन अ ग्रेविटी फ्री रीजन। दो कंसेंट्रिक रिंग्स हैं हमारे पास जो कि ग्रेविटी फ्री रीजन में रखा हुआ है, प्लेस किया हुआ है, वाई जेड प्लेन पे है, और एक की रेडियस आर दे रखी है जो कि प्लस क्यू चार्ज कैरी कर रहा है, और दूसरे की रेडियस 4R दे रखी है जो कि -8Q चार्ज कैरी कर रखा है, और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उन दोनों रिंग्स पे गाइज। तो अगर मैं थोड़ा ये फिगर यहाँ पे बनाऊँ कुछ, तो देखो एक ये हो जाएगा आर वाला और ये है कुछ ऐसा 4R वाला। जस्ट सपोज ये मैं वाई जेड प्लेन पे बना रहा हूँ क्योंकि मैं देखो इसको वाई कंसिडर कर रहा हूँ एंड दिस इज़ जेड, ये जेड है एंड दिस इज़ एक्स, ऐसा मैं कंसिडर करते हुए चल रहा हूँ गाइज। दिस इज़ आर फिगर। तो ये जो रेडियस है दैट इज़ आर दे रखी है एंड ये जो रेडियस है दिस इज़ वॉट 4R, ऐसा क्वेश्चन में गिवन किया है। और जो अंदर ये वाला जो अंदर वाला जो सर्कल है उस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है दैट इज़ प्लस क्यू, और बाहर वाले पे जो डिस्ट्रीब्यूटेड है दैट इज़ माइनस ऑफ 8Q, ये गिवन हमें अभी तक किया गया है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है। बोल रहा फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच अ पॉइंट चार्ज ऑफ मास स्मॉल एम एंड चार्ज माइनस क्यू। एक हमारे पास मतलब हमें सबसे पहले वी मिनिमम फाइंड आउट करना है, दिस वी नीड टू फाइंड आउट। इसके लिए क्या दे रखा है, विथ विच अ पॉइंट चार्ज ऑफ मास एम एंड चार्ज माइनस क्यू शुड बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 3R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग ऑन इट्स एक्सिस सो दैट इट विल रीच टू द सेंटर ऑफ द रिंग्स। ओके, मतलब बोल रहा है कि यहाँ से इसके सेंटर से जो दोनों कॉन्सेंट्रिक रिंग्स हैं हमारे पास उसके सेंटर से 3R डिस्टेंस ले लो आप। सपोज़ करो दिस इज़ बेसिकली यहाँ पे सपोज़ करो 3R डिस्टेंस है, तो वहाँ पे एक चार्ज प्लेस की गई है माइनस क्यू, उस पर चार्ज है एंड जो उसकी मास है दैट इज़ स्मॉल एम। तो बोल रहा है कि कितना मिनिमम वेलोसिटी यहाँ से देना पड़ेगा इस माइनस क्यू चार्ज वाले को कि वो इस सेंटर ऑफ द रिंग्स मतलब दोनों रिंग का सेंटर एक ही पॉइंट पे है कि वो चार्ज वहाँ पे पहुँच जाए। यही सिंपल सा क्वेश्चन है गाइज। तो हमें उसके लिए मिनिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है इस डायरेक्शन में, ऐसा दिस वी मिनिमम वी नीड टू फाइंड, जिसको देने से ये चार्ज माइनस क्यू वाली जिस पे जिसकी मास जो स्मॉल एम है वो उसके सेंटर पे पहुंचाना है। 3R डिस्टेंस इनिशियली पे है वो उसके सेंटर से और एक्सियली है। तो सबसे पहले देखो आप इस क्वेश्चन को देख के सीधा ही इस चीज़ को कैलकुलेट करने में मत लग जाना कि यहाँ पे आपने पोटेंशियल एनर्जी लिखा, यहाँ पे आपने पोटेंशियल एनर्जी लिखा, दोनों के पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंस कर दिया, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन डायरेक्ट आप मत लगाने लगना गाइज। क्योंकि कई बार क्या होता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पता है इसको ब्लाइंडली यहाँ से यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। दिस पॉइंट सपोज करो ए और सेंटर ओ है, डायरेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे और बोलेंगे कि दिस इज़ बेसिकली द वी मिनिमम, बट ये गलत हो जाएगा। एक्चुअली अगर आप इस पूरे सिनेरियो को देखो कि क्यों मैंने इस सवाल को लिया है, तो इसलिए लिया है कि सबसे पहले इस पॉइंट पे जो पॉइंट ए मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे आप जब फोर्स निकालोगे इन दोनों चार्जेस के कारण, मतलब ये दोनों सर्कल है दोनों पे अलग अलग चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके कारण जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वाला फोर्स निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि वो फोर्स रिपल्सिव है, मतलब वो फोर्स इस चार्ज माइनस क्यू वाले चार्ज को दूर भेज रहा है। तो यहाँ पे आपको वर्क डन करनी पड़ेगी उस चार्ज को नज़दीक लाने के लिए, बट एक्सिस के नज़दीक लाने के लिए, पॉइंट ओ के नज़दीक लाने के लिए। बट आप जैसे ही धीरे धीरे इधर जाते जाओगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ये जो फोर्स है बिकॉज ऑफ दिस प्लस क्यू चार्ज एंड बिकॉज दिस माइनस क्यू 8Q चार्ज, ये दोनों आपस में बैलेंस हो जाएगी। बैलेंस हो जाएगी मतलब जितना एक इस तरफ फोर्स लगा रहा है तो एक इस तरफ फोर्स लगा रहा है, दोनों बैलेंस होकर जीरो हो जाएगा। और उसके बाद जब आप लेफ्ट में जाते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि उसके लेफ्ट में चार्ज अट्रैक्टिव हो गया है, तो वहाँ से फिर आपको कुछ वर्क डन करने की ज़रूरत ही नहीं है गाइज। तो ये इस क्वेश्चन का बेसिकली मोटिव था जिसके लिए मैंने इस सवाल को लिया है। बाकी सारी मैथमेटिक्स है। सबसे पहले क्या है कि पॉइंट ए पे वो चार्ज रखी हुई है, तो पॉइंट ए से सपोज करो ये पॉइंट बी है, पॉइंट ए से पॉइंट बी में लाने के लिए ही आपको वर्क डन करनी पड़ेगी।
एक बार आप पॉइंट बी पे ले आए उस चार्ज को, तो वहाँ से वो चार्ज खुद ब खुद ही सेंटर पे चला जाएगा, क्योंकि वहाँ से फोर्स अट्रैक्टिव हो गई है। तो पहले फोर्स रिपल्सिव है, बाद में फोर्स अट्रैक्टिव है गाइज। तो ये आपको बेसिकली सोचना था, दिस इज़ द कैच ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट ए टू ओ लगा देंगे एनर्जी कंजर्वेशन, वो गलत हो जाएगा ऑप्शन। तो आपको ये सोचना था कि ए टू बी रिपल्सिव है बट बी के बाद अट्रैक्टिव है। तो जो आपको जो काम करना है, जो वर्क डन है, जो एनर्जी वाली चीज़ें लगानी है, जो पोटेंशियल निकालना है आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो सारा ए टू बी का मामला है। ए टू बी आप एक बार निकाल दिए, मतलब ए पे आपको इतनी वेलोसिटी देनी है, इतनी मिनिमम वेलोसिटी देनी है कि वो जस्ट बी पे पहुंच जाए। जैसे ही वो बी से बी पे पहुंच गया तो खुद ब खुद वो ओ पे पहुंच जाएगा, बिकॉज उसके बाद फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव हो जाएंगी। तो मतलब इस चीज़ को मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले देखो इस चीज़ को प्रोसीड कैसे करेंगे हम। मैंने ये बोल तो दिया, अब इस चीज़ को प्रोसीड करने के लिए अगेन मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये एंड दिस। जस्ट सपोज ये मैंने बनाया, ये एक्सिस है ऐसा, यहाँ से कोई एक्स डिस्टेंस पे ऐसा ले लो, ठीक है, दिस इज़ द एक्स डिस्टेंस, और ये हमारे पास आर है एंड दिस इज़ आवर फोर आर। ये प्लस क्यू पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, माइनस एट क्यू है। तो सपोज करो कोई हम एक्स डिस्टेंस है, वहाँ पे बेसिकली हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाह रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज टू चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सर्कुलर रिंग। तो सबसे पहले 8q वाले चार्ज के कारण अगर मैं लिखूंगा, ये आपको पता ही होगा कि एक सर्कुलर रिंग पे जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होती है तो उसके एक्सियल डिस्टेंस पे, सेंटर से एक्सियल डिस्टेंस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो उसकी अगर मैं जनरल फॉर्मूला लिखूंगा तो वो होता है 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाई, अगर चार्ज q है और डिस्टेंस अगर आप x ले रहे हो तो अपॉन दिस, अगर रेडियस r है उस सर्कल का तो r² + x² 3/2। ये होता है जनरल फार्मूला। ये मैंने क्या बताया कि एक ऐसा रिंग है, ये रिंग बेसिकली रेडियस आर का है, इस पर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर इट्स सर्कमफेरेंस, और यहाँ से मैं एक्स डिस्टेंस पे, दिस एक्स डिस्टेंस पे बेसिकली इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो उसका फार्मूला है ये गाइस, दिस इज़ द जनरल फार्मूला। तो अभी मैं इस चीज़ को यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई करूँगा फॉर दिस माइनस 8q चार्ज एंड दिस प्लस क्यू चार्ज। तो इसको जब मैं डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो सबसे पहले माइनस 8q के लिए करता हूँ, मुझे एक्स डिस्टेंस पे निकालनी है। तो 1/4πε0 ये हो गया हमारे पास, दिस चार्ज कितना है माइनस 8q, डिस्टेंस कितना है x, अपॉन इसकी रेडियस कितनी है 4r, तो 4r² + x² 3/2। ये हो गया हमारे पास फॉर दिस, इसके लिए हो गया ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है। और प्लस 8q के लिए हम लिखेंगे तो कितना होगा, प्लस 8q के लिए होगा आपके पास 1/4πε0 एंड प्लस qx अपॉन ये कितना हो जाएगा r² + x² 3/2। ये हमारे पास हो गया गाइस, ये प्लस q के लिए हो गया एंड ये माइनस 8q के लिए हो गया। तो अभी आपको सबसे पहले तो ये गौर करना है कि जब मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा, देखो बेसिकली हम मैं कर क्या रहा हूँ, ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट कहाँ है, दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3r फ्रॉम दिस सेंटर, सेंटर ऑफ बोथ द सर्कल्स, और बीच में कहीं एक पॉइंट आएगा मैं बोल रहा हूँ जहाँ पे फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी, रिपल्सिव फोर्सेस अट्रैक्टिव फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी, तो वो पॉइंट मान लो बी है। तो ए टू बी जो हमारे पास फोर्सेस होंगी वो बेसिकली क्या होगा, वो रिपल्सिव फोर्स होगा फ्रॉम ए टू बी, बी के बाद अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो ये करने के लिए मैं बेसिकली आपको दिखा रहा हूँ कि कहाँ पे जो फोर्सेज है वो बैलेंस हो जाएगा, कौन से एक्स पे फोर्स बैलेंस हो जाएगा या इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस हो जाएगा, बिकॉज चार्जेज आर सेम, दैट इज माइनस क्यू। सो जब आप इक्वेट करोगे तो ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, तो जस्ट हमें इन दोनों को इक्वेट करना है, तो लेट अस इक्वेट दीज टू। तो ये हमारे पास ऐसा कुछ आएगा, तो ये हमें इक्वेट करना है। तो बेसिकली यहाँ पे प्लस लगा दो आप, दिस माइनस 8q को प्लस कर दो, बिकॉज अभी हमें सिर्फ मुझे पता है कि एक रिपल्सिव है एक अट्रैक्टिव है, तो अभी साइन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो यहाँ से जब आप x को कैलकुलेट करोगे, सो देखो दिस इज एक, ये वाला x कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, और 8 × r² + x² 3/2 आया, दैट इज इक्वल टू दिस इज 4r², तो 16r² लिखता हूँ प्लस ऑफ x² 3/2, ये कुछ आया। तो अभी मैं क्या करता हूँ, दोनों ही तरफ 2/3 से मैं ये कर देता हूँ,
दिस टू अपॉन थ्री, दिस टू अपॉन थ्री, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा लाइक दिस, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, बट एट पे आपको ये करना पड़ेगा टू अपॉन थ्री मल्टीप्लाइड बाई दिस इज आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 16 आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा गाइज। तो ये 8 का पावर 1 अपॉन 3 करोगे तो 2 आ जाएगा एंड 2 का स्क्वायर दैट इज 4 आ जाएगा, तो दिस इज 4 आर स्क्वायर प्लस ऑफ 4 एक्स स्क्वायर आ गया, दैट इज इक्वल टू 16 आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर आया कुछ ऐसा। अभी r को एक तरफ लेकर जाओ, 4 एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को इधर लेकर आएंगे तो 3 एक्स स्क्वायर आएगा, दैट इज इक्वल टू 16 आर स्क्वायर माइनस ऑफ 4 आर स्क्वायर, दैट इज 12 आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख रहे हो 3 टाइम्स 4 इज दिस 4 आर स्क्वायर आ गया, तो यहाँ से बेसिकली x कितना आया, x आया हमारे पास 2r, दिस इज बेसिकली x गाइज। तो ये वाला जो x आया ये हमें बता रहा है कि b पे जो डिस्टेंस है दिस x दैट इज इक्वल टू 2r, तो 3r से 2r, 3r से 2r आपको लाना पड़ेगा, 3r से 2r के बीच में जो ये वाला डिस्टेंस है r का जो डिस्टेंस है उसमें ही फोर्सेस जो है वो रिपल्सिव होगी। जब आप कैलकुलेट करके देखोगे बीच में आप कोई भी एक r ले लेना बिटवीन 3r एंड 2r, और उस पर जब आप ये फॉर्मूला को रखोगे मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस करोगे एक दूसरे के साथ तो देखना आपकी जो है वो डायरेक्शन आएगा प्लस या माइनस जो इसके ऑपोजिट होगा, मतलब बी से जब आप लेफ्ट में जाओगे 2R से जब आप लेफ्ट में जाओगे तो वहाँ पे जो फोर्स आएगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी उसमें और इसमें एक नेगेटिव साइन का डिफरेंस होगा। तो ये हमें ये दिखाता है कि यहाँ पे मतलब ए टू बी में जो है रिपल्सिव फोर्स है और बी से लेफ्ट में जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स है, मतलब आपको जस्ट बी तक ही लेकर आना है, उसके बाद वो खुद ब खुद ही जो चार्ज है माइनस क्यू वाला वो खुद ही लेफ्ट की तरफ जाके वो सेंटर पे खुद ही खुद चला जाएगा। तो ये आपको बेसिकली इस चीज़ से शो हो जाएगा। तो अभी मैंने शो कर दिया कि ए पॉइंट और बी पॉइंट कहाँ पे जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की बिल्कुल सेम हो रही है, तो दैट इज़ 2R। तो अभी हमें पता चल गया, तो अभी हमें नेक्स्ट एफर्ट क्या लगाना है, जस्ट हमें ए टू बी लेकर जाना है चार्जेस को, मतलब 3R से 2R लेकर जाना है हमें चार्ज को। तो उसके लिए हमें कितनी वी मिनिमम लगेगी, कितनी मिनिमम वेलोसिटी लगेगी, ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा गाइस, इसके लिए बेसिकली हमें ज़रूरत पड़ेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। हम एक बार ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखेंगे, एक बार बी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखेंगे। जब हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गई तो वहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे जिसको हम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल करेंगे, और वहाँ से काइनेटिक एनर्जी से हमें वी मिनिमम निकल कर आ जाएगी, सो दैट विल बी आवर आंसर। तो चलो अभी ऐसे मूव करते हैं गाइस हम। सो अगेन जब मैं यहाँ पे बनाऊंगा टू राइट दी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ये हमारे पास आर वाला रेडियस हो गया एंड दिस इज 4R वाला ऐसा हो गया हमारे पास रेडियस लाइक दिस। सो दिस इज आर एंड दिस इज बेसिकली 4R, ये हमारे पास हो गया। और अभी हमें डिस्टेंसेस पता है, दिस सपोज करो ये जो है दिस इज 3R, हमें इसको लेकर कहाँ आना है, दिस सपोज कर लो ये जो है दिस इज़ बेसिकली 2R, ये जस्ट सपोज कर लो। तो आपको ये पॉइंट ए से बी तक लेकर आना है ऐसा, ये दिस इज़ आर मोटिव। इस पर माइनस 8Q चार्ज है और इस पर जो चार्ज है दैट इज़ प्लस क्यू चार्ज है, ये हमारे पास अभी तक सिनेरियो है, 2R हमने निकाल कर ले आए हम। तो यहाँ से देखो जब आप मतलब जनरल एक पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे आप, मैं जनरल बता देता हूँ सबसे पहले, एक सपोज करो हमारे पास यहाँ पे ऐसा सर्कुलर रिंग है जिस पे चार्ज प्लस क्यू है और इसकी रेडियस सपोज करो आर है। तो यहाँ से अगर आप x डिस्टेंस पे एक जनरल पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाह रहे हो, एक्सियल डिस्टेंस x है, तो उस पर जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ v इज़ इक्वल टू 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाय q अपॉन दिस r स्क्वायर प्लस ऑफ x स्क्वायर टू द पावर हाफ होता है गाइस। दिस इज़ बेसिकली द जनरल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस एक्सियल डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। तो दिस इज़ बेसिकली जनरल फॉर्मूला, ये हमें पता चल गया अभी। नाउ लेट अस डाइव टुवर्ड्स दिस, अभी हम इस पे देखते हैं। एक बार हमें पॉइंट ए पे निकालना है, एक बार पॉइंट बी पे निकालना है। सो जब आप पॉइंट ए पे निकालोगे, सपोज वी ए हम निकाल रहे हैं, तो लेट अस सी सबसे पहले -8Q चार्ज के लिए, तो कितना होगा 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाई जो चार्ज है हमारे पास दैट इज़ -8Q अपॉन 4R स्क्वायर प्लस ऑफ 3R स्क्वायर लाइक दिस एंड दिस टू द पावर हाफ। ये हुआ हमारे पास बिकॉज ऑफ -8Q प्लस, अभी प्लस क्यू के कारण लिखूंगा तो क्यू अपॉन कितना होगा R स्क्वायर प्लस ऑफ 3R स्क्वायर टू द पावर हाफ। ये होगा हमारे पास बेसिकली गाइस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए। इसको अगर फर्दर मैं सॉल्व करूंगा
तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो तो वैसे ही रहेगा हमारे पास, हमें जस्ट ये नीचे वाला टर्म सॉल्व करना है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं के लिखता हूँ गाइस, के, लेट अस सपोज दैट इज़ के वी ए। तो यहाँ से देखोगे आप तो दिस इज़ नॉट इक्वल टू, बेसिकली दिस इज़ मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ 8 क्यू अपॉन, अभी दिस 4R² करोगे 16R² प्लस ऑफ 9R² होगा, 16R² प्लस ऑफ 9R², 16 प्लस ऑफ 9 दैट इज 25R², तो यहाँ पे 5R हो गया हमारे पास, प्लस क्यू अपॉन दिस इज 3R², सो 9R² प्लस ऑफ R² दैट इज 10R², तो रूट अंडर 10R होगा हमारे पास लाइक दिस, ये हमारे पास हो जाएगा गाइज। तो यहाँ से अभी आप अगर फर्दर सॉल्व करोगे, सबसे पहले क्यू अपॉन आर तो आप बाहर ले सकते हो अभी, तो देखो मैंने वही किया, क्यू अपॉन आर को बाहर ले लिया, तो -8/5 प्लस ऑफ 1/√10 हो गया, ये हो गया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इधर सेकेंड टर्म में नीचे भी √10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और ऊपर भी √10 लिख दे रहा हूँ ताकि हमें एक डिनोमिनेटर सही से मिल जाए। सो दिस इज के क्यू अपॉन आर, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 5 -8/5 प्लस √10/10, कुछ ऐसा हो गया। यहाँ से अभी जस्ट एलसीएम है गाइस, तो यहाँ से आप एलसीएम जब ले लोगे दिस इज 10, सो दिस इज -16 प्लस ऑफ √10 हो गया हमारे पास। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए क्या हो जाएगा हमारे पास, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय क्यू अपॉन आर, माइनस मैंने आगे ले लिया इस टर्म को पॉजिटिव करने के लिए, तो 16 -√10/10 हो गया, ये हमारे पास बेसिकली गाइस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए आया बिकॉज ऑफ दोज टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, ये हमारे पास वी ए आ गया। अभी वी बी देखते हैं क्या आता है। सिमिलरली जब आप वी बी निकालोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट बी, तो कैसे क्या आएगा हमारे पास, अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -8Q वाला पहले लिखता हूँ मैं, -8Q अपॉन वो तो सेम रहेगा दैट इज 4R² होगा, प्लस अभी जो डिस्टेंस है वो 2R हो जाएगा हमारे पास, दिस 2R², ये होगा टू द पावर हाफ दिस एंड प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस, और ये क्या होगा प्लस ऑफ क्यू अपॉन जो है दैट इज़ R² प्लस ऑफ 2R² लाइक दिस टू द पावर हाफ, ये होगा हमारे पास कहीं ना कहीं गाइज। तो यहाँ से आप वी बी अगेन इसको मैं के लिख देता हूँ, और क्यू अपॉन आर को आप ले सकते हो बाहर, बट अभी नहीं लेता हूँ, थोड़ा मैं ज़्यादा ही आगे नहीं बढ़ता हूँ अभी। तो के हमारे पास हो गया, नीचे देखो ये क्या है 16 एंड प्लस 8, कुछ ऐसा हमारे पास देखो -8Q अपॉन 4 × 4 = 16R² प्लस 4R², मतलब यहाँ पे क्या होगा 20R², सो √20R हो जाएगा ये, दिस इज √20R, ये हो गया। इसको मैं एक साथ ही लिख देता हूँ अभी, दिस इज हाउ मच प्लस क्यू अपॉन, इस पे क्या होगा देखो 4R² है, दिस 2R² दैट इज 4R² प्लस ऑफ R² सो 5R² हो जाएगा, 5R² अंडर रूट दैट इज √5R हो जाएगा, तो कुछ ये हो गया हमारे पास यहाँ से गाइज। तो दिस इज बेसिकली पोटेंशियल एट बी, इसको आप फर्दर अगर सॉल्व करोगे वी बी को तो क्या होगा हमारे पास, देखो ये बेसिकली हमारे पास आया था वी बी, यहाँ से आप क्या करोगे, सबसे पहले तो √20 को हमें पता है क्या लिख सकते हैं, देखो 20 है, दिस इज नथिंग बट 2√5, ये 2√5 आ गया, तो -8Q/√5R हो गया प्लस Q/√5R हो गया, ये हमारे पास हो गया 2 × 4 = 8, तो यहाँ से मैं के क्यू अपॉन आर अभी निकाल सकता हूँ बाहर, तो ये हो गया -4/√5 प्लस ऑफ 1/√5, कुछ ऐसा हो गया हमारे पास गाइज। सो अगेन मैं बाहर एक माइनस ले लेता हूँ, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर, तो यहाँ से आप देखोगे तो दिस विल बी बिकम 3/√5, तो ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज़ नथिंग बट वी बी, तो हमारे पास वी बी और वी ए आ गया गाइज। तो गाइज ये हमारे पास वी ए आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, और ये वी बी आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी, तो ये देखो पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था हमारे पास। अभी हमें क्या करना है कि उस टेस्ट चार्ज को जो माइनस क्यू है जिसकी मास स्मॉल एम है उसको हमें ए टू बी लेकर आना है, तो ए इज़ द इनिशियल पोजीशन, बी इज़ द फाइनल पोजीशन, तो ए टू बी लाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेसिकली गाइस, देखो आपको पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट ए ये लिखना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू
मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, ये मिनिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल करना पड़ेगा, तो यहाँ से एक वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आएगा, हाफ एम वी मिन स्क्वायर ये आएगा। तो यहाँ से बेसिकली कहीं ना कहीं आपको वी मिनिमम निकल कर आ जाएगी गाइज। तो सबसे पहले आपको ये पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कैसे निकालोगे, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस ऑलरेडी पता है गाइज, वी बी माइनस ऑफ वी ए पता है। इसमें जब आप माइनस क्यू चार्ज को मल्टीप्लाई कर दोगे देन यू विल गेट दिस पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, बिकॉज चार्ज जो हमारे पास है दैट इज माइनस क्यू है। तो दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी मीन स्क्वायर हो जाएगा गाइज ये। तो सबसे पहले ये हम बेसिकली निकालते हैं, माइनस क्यू इंटू वी बी माइनस ऑफ वी ए। तो वी बी वी ए हमारे पास है ही, सबसे पहले हम वी बी माइनस ऑफ वी ए निकालते हैं दिस। तो वी बी देखो दोनों में सबसे पहले तो कॉमन आप ले लो, माइनस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, मल्टीप्लाइड बाई क्यू अपॉन आर, ये दोनों में से कॉमन आ गया। अभी वी बी में देखो ये क्या है, थ्री अपॉन रूट फाइव है एंड माइनस करना पड़ेगा आपको बिकॉज वी बी माइनस ऑफ वी ए। तो माइनस करोगे तो सबसे पहले देखो एक माइनस हम पहले ही बाहर दोनों में से कॉमन ले चुके हैं दिस माइनस, तो अभी थ्री अपॉन रूट फाइव माइनस ऑफ सिक्सटीन माइनस ऑफ रूट टेन अपॉन टेन, ये हमारे पास कहीं ना कहीं ऐसा हो जाएगा गाइस। तो यहाँ पे अगेन मैं डिनोमिनेटर में रूट अंडर फाइव से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इधर रूट अंडर फाइव हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से अगर मैं सिर्फ इस टर्म को सॉल्व करूँगा तो थ्री रूट फाइव अपॉन फाइव हो जाएगा माइनस सिक्सटीन माइनस ऑफ रूट टेन अपॉन टेन हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा गाइस। तो यहाँ से वापस से आप देखोगे तो अगर डिनोमिनेटर में मैं एलसीएम लूँगा तो दिस विल बी टेन और ये कितना हो जाएगा सिक्स रूट फाइव माइनस ऑफ सिक्सटीन एंड माइनस माइनस दैट इज प्लस ऑफ रूट अंडर टेन, ये हम हो जाएगा गाइज हमारे पास दिस, ये हो जाएगा। तो वी बी माइनस वी ए हमारे पास दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस आ गया, ये हमारे पास वी बी माइनस वी ए आ गया। लेट अस राइट दैट, इसको लिखते हैं हम यहाँ पे। सो दिस इज बेसिकली आवर वी बी माइनस वी ए। अभी हमें इसमें एक माइनस क्यू चार्ज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन वी विल बेसिकली गेट यू बी माइनस यू ए एंड दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी मिन स्क्वायर। यहाँ से ऐसा होगा गाइज हमारे पास। तो देखो ये नेगेटिव चार्ज वाला और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो हमारे पास बेसिकली क्या आ गया, लेट अस राइट यहाँ से देखो हमारे पास आ गया क्यू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज आर मल्टीप्लाइड बाय ये चीज़ें हैं सिक्स रूट फाइव माइनस ऑफ सिक्सटीन प्लस ऑफ रूट टेन अपॉन टेन, ये हमारे पास हो गया एंड दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी मिन स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया गाइज। सो अभी टू को आप इस तरफ लेकर चले जाओ एंड एम को इधर नीचे लेकर आ जाओ लाइक दिस, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया और अभी जस्ट इसको आप स्क्वायर रूट कर दो तो यू विल गेट वी मिनिमम। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले ये टू टाइम्स टू भी चला जाएगा हमारे पास, तो ये क्यू क्यू आर अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल एम, ये हो गया दिस सिक्स रूट अंडर फाइव माइनस ऑफ सिक्सटीन प्लस ऑफ रूट टेन अपॉन टेन, ये हमारे पास हो गया एंड दिस होल, ये पूरे होल टर्म का आप जब स्क्वायर रूट कर दोगे देन यू विल गेट बेसिकली वी मिनिमम एंड दिस इज बेसिकली द आंसर गाइज, यही हमारे पास आंसर निकल कर आ गया। तो जब आप इस सवाल को देखोगे गाइज, तो सबसे पहले तो जो एरर मैंने बताया कि आप एनर्जी कंजर्वेशन डायरेक्टली लगाने लग जाओगे फ्रॉम दैट पॉइंट बी जिसको मैंने लिया था टू द सेंटर ओ, तो वहाँ पे ही एक्चुअली कैच था इस क्वेश्चन में और बाकी सब तो प्योरली मैथमेटिक्स है। इसमें आपकी सारी चीज़ें रिविजन हो गई, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एक रिंग वाले चार्ज के किसी एक्सियल डिस्टेंस एक्स पे कितनी होती है, तो वो सारी चीज़ों को यूज़ करना था। बट सबसे पहले कॉन्सेप्चुअली आपको देखना था कि पहले रिपल्सिव फोर्सेज होंगी उसके बाद अट्रैक्टिव फोर्सेज भी होंगी, तो आपको जस्ट उस पॉइंट बी से ए पे ही लाना था, ए से खुद ब खुद वो सेंटर पे चला जाएगा। तो ये बेसिकली कैच था इस क्वेश्चन का गाइज। होप करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया हो। आप पहले खुद से ट्राई करना जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, उसके बाद एक बार सोल्यूशन को देखना ही देखना क्योंकि मैं बीच में रिविजन भी करवाता रहता हूँ गाइज, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट जे एडवांस 2024 रिविजन। सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा वहाँ पे, तो आपको इन सब क्वेश्चन से बेसिकली एक सार निकालना है, बीच में रिविजन करते हुए भी चलना है और एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को आपको कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो सब भी देखते हुए चलना है गाइज। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स के साथ गाइज, तब तक के लिए आप बहुत सारी प्रैक्टिस करते रहो, रिविजन करते रहो, बाय एंड टेक केयर।